बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाल महाभारत की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। मैं पुनरावृत्ति कराते हुए पहुँच गई हूँ पाठ विराट का भ्रम। आज इसकी पुनरावृत्ति कराने चल रही हूँ और कहानी अज्ञातवास की समाप्त हो गई है। अज्ञातवास का 12 वर्ष का समय वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास विराट नगर में पूरा करने के बाद पांडव अब वापस अपने हिस्से का राज्य लेने की सोच ही रहे थे कि दुर्योधन को ये लगा कहीं उसके हिस्से का राज्य चला ना जाए, इसलिए वो तैयारी करता है कि किसी भी तरीके से वनवास बढ़ जाए तो ठीक है, परंतु भीष्म ये समझाते हैं कि नहीं, हर वर्ष में तिथियों में कुछ अंतर होता है और जिसके कारण पांडवों के वनवास का समय एक दिन पहले ही पूर्ण हो गया। और इस हिसाब से अगर पांडवों से संधि कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। यही क्रम चल रहा था कि दुर्योधन ने पांडवों से युद्ध की ठानी और जिसका कि सामना करने के लिए भीम अर्जुन सभी को आना पड़ा अपना वेश बदल कर जो विराट नगर में रहते थे। राजकुमार उत्तर को लेकर बृहन्नला का रूप धारण किए हुए अर्जुन भी युद्ध में उतर जाते हैं और अंततः युद्ध का सारा श्रेय उत्तर को, राजकुमार उत्तर को देकर इस युद्ध के बारे में राजा विराट को बताना चाहते हैं। और यह युद्ध राजकुमार उत्तर ने जीता, ये विराट का बहुत बड़ा भ्रम रहता है जो कि इस पाठ में बताया गया है, तो मैं इसको समझाने चल रही हूँ आपको। त्रिगर्त राजा सुशर्मा पर विजय प्राप्त करके राजा विराट नगर में वापस आए तो पुरवासियों ने उनका धूमधाम से स्वागत किया। अंतपुर में राजकुमार उत्तर को ना पाकर राजा ने पूछताछ की तो स्त्रियों ने बड़े उत्साह से बताया कि कुमार कौरवों से लड़ने गए हैं। अब सुशर्मा के साथ युद्ध के बाद राजा विराट को छुड़ाकर भीम जब लाते हैं, वो वापस आते हैं, तो उसके बाद उन्हें इस बात का पता चलता है कि कौरवों से युद्ध करने के लिए राजकुमार उत्तर गए हैं। तो ये सुनकर राजा एकदम चौंक पड़ते हैं क्योंकि उन्हें ये पता था कि राजकुमार उत्तर को युद्ध नीतियों के बारे में भी कुछ पता नहीं है और वे अभी बहुत कम उम्र के हैं, उनका कोई अनुभव नहीं है। तो इस नाते से उत्तर युद्ध कर पाएंगी कि नहीं, उनका ये भ्रम था, तो वो एकदम चौंक पड़ते हैं। उनके विशेष पूछने पर स्त्रियों ने कौरवों के आक्रमण का सारा हाल बताया। जब बार बार राजा ने आग्रह किया कि युद्ध की क्या वजह है, क्यों गए हैं, तो अंत में वहां की स्त्रियों ने पूरी कहानी दुर्योधन के आक्रमण की सुनाई। यह सब सुनकर राजा का मन चिंतित हो गया। अब राजा चिंतित हो गए कि जिस राजकुमार उत्तर ने अभी युद्ध भूमि का मुंह भी नहीं देखा है, वो कौरवों से युद्ध लड़ने गए हैं, ये कहां तक संभव है। राजा की इस प्रकार शोकातुर होते देखकर कंक ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि आप राजकुमार की चिंता न करें, बृहन्नला सारथी बनकर उनके साथ गई हुई है। कंक यानी युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ने राजकुमार उत्तर की सुरक्षा की बात करते हुए राजा विराट को समझाने की कोशिश की कि आप चिंतित मत होइए, आप परेशान मत होइए,
बृहन्नला उनके साथ सारथी बनकर गई है, वो सुरक्षित राजकुमार उत्तर को लेकर आएगी। कंक के इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि इतने में उत्तर के भेजे हुए दूतों ने आकर कहा, राजन आपका कल्याण हो, राजकुमार जीत गए। उधर जब कौरवों से युद्ध अर्जुन ने जीत लिया तो उन्होंने इस युद्ध का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को दिया और अपने वापस पहुंचने से पूर्व ही उन्होंने नगर में इसकी सूचना दूतों से भिजवा दी कि जाओ खबर करो कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीता है, ताकि उनके स्वागत की तैयारियां हो जाएं। तो वे इस बात की खबर नगर में पहुंच जाती है। अभी राजा विराट चिंतित ही थे कि दूत ने आकर खबर दी कि महाराज की जय हो और राजकुमार उत्तर ने इस युद्ध को जीत लिया। राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीत लिया, ये बात सुनकर राजा विराट को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था ये कैसे संभव हो सकता है। कौरव सेना तितर बितर कर दी गई, गाय भी छुड़ा ली गई। ये सारी सूचना राजा विराट को दी गई। यह सुनकर विराट आंखें फाड़ कर देखते रहे। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि अकेला उत्तर कौरवों को जीत सकेगा। तो उन्होंने राजा विराट का भ्रम इसी बात का था कि उन्हें राजकुमार उत्तर के जीत का की जो सूचना मिली थी उस पर उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सही हो सकता है। और कंक कौन है, युधिष्ठिर है। मैं बार बार बीच बीच में इसलिए लिख देती हूं, कंक युधिष्ठिर। ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो राजा विराट चौंक पड़े, आंखें फाड़ कर देखते, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है अकेला उत्तर कौरवों से जीत सकेगा। इस बात का उन्हें विश्वास नहीं था। पुत्र की विजय हुई यह जानकर विराट आनंद और अभिमान के मारे फूले ना समाये। तो फूले ना समाये एक मुहावरा, अत्यधिक खुशी होना। अत्यधिक खुशी होना मुहावरा है। तो राजा विराट जो थे फूले नहीं समाये कि अरे उत्तर ने तो इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी दूतों की बात का उन्होंने विश्वास किया। अब वह आनंद और अभिमान से फूले नहीं समा रहे थे, मारे खुशी के उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने दूतों को असंख्य रत्न और धन पुरस्कार के रूप में देकर खूब आनंद मनाया, बहुत प्रसन्न हुए। संदेशा लाने वालों को पुरस्कार दिया और इसके बाद राजा ने प्रसन्नता से अंतापुर में जाकर कहा, सैरंध्री चौपड़ की गोटे तो जरा ले आओ, चलो कंक से दो दो हाथ चौपड़ खेल लें। तो सैरंध्री यानी द्रौपदी के लिए नाम था उनका, सैरंध्री भी लिख देते हैं। सुदेशना की दासी थी ये। राजा विराट नगर में जब रह रही थी तो उन्होंने सैरंध्री से कहा कि चौपड़ ले आओ। प्रसन्नता के मारे वो चाहे कि थोड़ा सा दो दो हाथ कंक के साथ चौपड़ खेल लिया जाए।
आज खुशी के मारे मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना आनंद कैसे व्यक्त करूँ। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, तो वो उन्हें लग रहा था कि वो कैसे अपनी खुशी को व्यक्त करें। तो हर हालत में प्रसन्नता का समय तो बिल्कुल था। प्रसन्नता का समय इसलिए था क्योंकि राजकुमार उत्तर ने युद्ध जीता था, तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए चौपड़ का खेल सोचा खेलें। अब दोनों खेलने बैठ जाते हैं। खेलते समय भी बातें वही होती रहती है राजकुमार उत्तर की। देखा राजकुमार का शौर्य वीरता, राजकुमार का शौर्य यानी यश कीर्ति। तो राजा विराट जो रहते हैं ये बात कंक को कहते हैं, विख्यात कौरव वीरों को मेरे बेटे ने अकेले ही लड़कर जीत लिया। विराट ने ये चीज कंक को सुनाई कि इतने कौरवों को जीतना आसान नहीं था और मेरे बेटे उत्तर ने उन्हें जीत लिया। निसंदेह आपके पुत्र भाग्यवान हैं, नहीं तो बृहन्नला उनकी सारथी बनती कैसे। अब कंक ने ये तो नहीं कहा कि राजकुमार उत्तर ने युद्ध नहीं जीता, ये भी नहीं कहा कि राजकुमार उत्तर की जगह बृहन्नला ने युद्ध जीता। कुल मिलाकर कंक उन्हें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध कैसे जीता गया। कंक ने कहा, विराट झुंझलाकर बोले, आपने भी क्या बृहन्नला बृहन्नला की रट लगा रखी है। अब चूंकि राजा विराट उत्तर की बातें कर रहे थे और कंक बृहन्नला की बातें यानी अर्जुन की बातें, तो राजकुमार विराट ने सुनते सुनते उनको चिड़चिड़ाहट हो जाती है और उस चिड़चिड़ाहट में वो कह पड़ते हैं कि क्या है आप बार बार ये बृहन्नला की रट लगाए हुए हैं। मैं अपने कुमार की विजय की बात कर रहा हूं और आप उसके सारथी की बड़ाई कर रहे हैं। तो बृहन्नला राजा विराट ने कंक से कहा कि राजकुमार उत्तर की बड़ाई करने के बजाय तो आप पूरे टाइम बृहन्नला की बड़ाई कर रहे हैं, यद्यपि आपको राजकुमार उत्तर की बड़ाई करनी चाहिए। तो विराट कहते हैं कि मैं तो बार बार बातें उत्तर की कर रहा हूं और तुम घूम फिर करके बृहन्नला की बातों पर आ जाते हो, तो उन्हें कुछ झुंझलाहट सी हो गई। युधिष्ठिर ने आज बृहन्नला का नाम लेकर जैसे ही कुछ कहना चाहा, राजा से रहा न गया और खेल ही खेल के दौरान युधिष्ठिर बृहन्नला के बारे में आगे कुछ बताना चाहते थे कि राजा विराट को बता दें। उन्होंने जैसे ही बृहन्नला का नाम लेना चाहा, राजा विराट को क्रोध आ जाता है कि वो कितनी देर से इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि राजकुमार उत्तर की बात करो और बृहन्नला की छोड़ के। उन्हें क्या पता था कि कंक युधिष्ठिर है और बृहन्नला अर्जुन, तो वो तो ऐसा कहेंगे ही। तो उन्होंने इस तरह से कहा और क्रोध में आकर उन्होंने जो चौपड़ का पासा था जोर से जमीन में पटका, जो छिटक करके कंक के माथे पर लगता है, खून की धारा बहने लगती है। और कंक ने इस बात के बदले में कुछ नहीं कहा, वो चुप रह जाते हैं। कहना भी उचित नहीं था क्योंकि राजा विराट के यहाँ वे आश्रय लिए थे, राजा विराट उनके आश्रय दाता थे और ऐसे में कंक का बोलना कहीं से उचित नहीं था। तो वो चुप रह गए, उनके माथे से खून की धारा बहने लगी। तभी द्वारपाल ने आके सूचना दी कि राजकुमार उत्तर मुख्य द्वार पर पधार रहे हैं, आ गए हैं। राजा विराट के खुशी का ठिकाना नहीं।
इतने में द्वारपाल ने आकर खबर दी कि राजकुमार उत्तर ब्रह्मला के साथ द्वार पर खड़े हैं, राजा से भेंट करना चाहते हैं। ये खबर आकर द्वारपाल ने दी। सुनते ही विराट ने जल्दी से उठकर बोले, आने दो आने दो। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रह्मला को नहीं। अब राजा विराट ने तो कह दिया, जैसे ही सूचना सुनते हैं कि राजकुमार उत्तर युद्ध जीत कर आए हैं, तो अंततः उन्होंने खुशी के मारे जोर से कहा कि आने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन कंक यानी युधिष्ठिर को लगा कि माथे से बहते खून को देखकर कहीं अर्जुन क्रोध में ना आ जाए या जो स्थिति है उसको समझने को तैयार ना हो, तो उन्होंने चाहा कि सिर्फ राजकुमार उत्तर ही अंदर आए, उसके अलावा कोई ना आए। तो ये सोच के उन्होंने संदेशा भिजवा दिया बाहर कि राजकुमार उत्तर को सिर्फ अंदर लाओ। कंक ने इशारे से द्वारपाल को कहा कि सिर्फ राजकुमार को लाओ, ब्रह्मला को नहीं। युधिष्ठिर को भय था कि कहीं राजा के हाथों उनको जो चोट लगी उसे देखकर अर्जुन गुस्से में कोई गड़बड़ी ना कर दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई को चोट लगा देके खून की धारा प्रवाहित देखकर कहीं अर्जुन क्रोध में ना आ जाए। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले अपने पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम करना चाहता था कि उसके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गए। अब राजकुमार उत्तर अंदर आए, उन्होंने पिता को प्रणाम किया और फिर प्रणाम करके वो कंक की तरफ घूमे, क्योंकि राजकुमार उत्तर को इस बात का पता चल गया था कि ये पांचों भाई जो राजा विराट के यहाँ रह रहे हैं ये और कोई नहीं है, पांडव है। तो उनके मन में एक असीम श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो उन्होंने मन ही मन इस बात को जान करके कंक को प्रणाम करना चाहा। लेकिन जब उनकी ओर घूमते हैं तो देखते हैं उनके माथे से तो खून की धारा बह रही है। तो यही सोचकर उन्होंने द्वारपाल को ऐसा आदेश दिया। राजकुमार उत्तर ने प्रवेश करके पहले पिता को नमस्कार किया, फिर कंक को प्रणाम करना चाहता था कि उनके मुख से खून बहता देखकर चकित रह गया। उसने अर्जुन से मालूम हो चुका था कंक तो असल में युधिष्ठिर ही है, इसीलिए उनके मन में ज्यादा श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने पूछा, पिताजी इनको किसने यह पीड़ा पहुंचाई है? अब उत्तर के मन में थोड़ी उत्सुकता जगी कि इस सभा में राजा विराट और कंक के अलावा कोई नहीं है, चौपड़ की मोरे बिछी हुई हैं, गोटियां बिछी हुई हैं, तो आखिर कंक को ये चोट लगी कैसे? उनके मन में एक संदेह जन्मा, तो राजकुमार उत्तर ने पिता से पूछ ही लिया कि इन्हें किसने चोट पहुंचाई है। विराट ने कहा, बेटा क्रोध में मैंने चौपड़ के पासे फेंक मारे, क्यों तुम उदास क्यों हो गए? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट को बहुत मामूली सी बात लग रही थी, लेकिन उन्हें क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये युधिष्ठिर हैं, तो उन्होंने राजकुमार उत्तर को सही सही बता दिया कि मुझे क्रोध आ गया और मैंने पासों को उठाकर जोर से फेंक कर मार दिया। राजा विराट ने सुना तो वो सन्न रह गए, क्या बोलते, उनकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा था, क्या उत्तर देते। तो उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध ली। विराट को भी लगता है कि राजकुमार उत्तर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्या बात है, वो भी थोड़ा चिंतित हो गए। उन्होंने कहा भी, क्यों तुम उदास क्यों हो गए? तो उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें इतना तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों आ गई? पिता की बात सुनकर उत्तर कांप गया। विराट कुछ समझ ही ना सके कि बात क्या है। अब विराट को कहां से बात समझ में आती, विराट को तो इस बात का पता ही नहीं है कि कंक, ब्रह्मला, वल्लभ, तंतिपाल, ग्रंथिक
ये सैरंद्री, ये सब पांडव हैं। उन्होंने एक राजदरबारी की तरह व्यवहार कर रहे थे कि राजदरबारी हैं। अब उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़ लिए और क्षमा याचना की। और उत्तर ने आग्रह किया तो उन्होंने कंक के पांव पकड़कर क्षमा मांग ली, यानी उत्तर ने जब सारी बातें बता दी तो राजा विराट ने क्षमा मांगी, उत्तर को समझाया और क्षमा मांगी, गले लगा लिया और बोले, बेटा बड़े वीर हो तुम। उन्होंने इस बात को कहा कि तुम तो बहुत बड़े वीर हो। और तुमने इतना बड़ा कौरवों का युद्ध जो है वो जीत लिया, तो तुमसे ज्यादा बलशाली कौन हो सकता है। मारी प्रसन्नता को उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। उत्तर ने कहा, पिताजी मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैं तो लड़ा भी नहीं। उत्तर ने लगातार ये देखा कि पिता उनके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, बार बार बड़ाई कर रहे हैं, फूले नहीं समा रहे। अंत में राजकुमार उत्तर से नहीं रहा जाता। राजकुमार उत्तर को लगा कि सच्चाई बता देनी चाहिए और उन्होंने ये चाहा कि अगर वो नहीं बताते तो कंक को चोट लगी है, ब्रहनला को इस बात का पता चलेगा। तो अंततः वो सब सोच करके उन्हें लगा कि अब और कोई उपाय नहीं है, विराट को सारी बातें बता देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई युद्ध नहीं जीता, जो अभी तक ये सारी सूचना आ रही थी वो अर्जुन की वजह से आ रही थी। दूतों ने जो आकर नगर में बताया, दूतों ने जो आकर राजा विराट को बताया, वो ब्रहनला का किया हुआ कार्य था। ब्रहनला इस बात को चाहती थी कि इस युद्ध का जो श्रेय है वो अर्जुन को न जाए, ब्रहनला को न जाए, बल्कि उत्तर को जाए। उत्तर अभी बच्चे थे, उन्हें युद्ध करना तो आता नहीं था, लेकिन जब कौरवों की सेना देख करके दक्षिण दिशा से जब दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया तो उन्हें लगा कि अब और कोई उपाय नहीं, राजकुमार उत्तर को आगे कर ये युद्ध लड़ा जा सकता है, कोई जानेगा भी नहीं। तो इसी बात को राजकुमार उत्तर ने अंततः स्वीकार कर लिया। उन्होंने कह दिया पिता से कि पिताश्री मैंने कोई सेना नहीं हराई, मैंने कोई युद्ध नहीं किया, यहां तक कि मैं तो लड़ा भी नहीं। बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा कि कौन वह वीर है, कहाँ है वह, बुला ला उसे। अब राजा विराट को भी इस बात की आश्चर्य हुआ कि उत्तर तो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने तो युद्ध लड़ा भी नहीं, तो आखिर ये युद्ध लड़ने वाला कौन था जिसने राजकुमार उत्तर को सुरक्षित किया। तो वो राजकुमार उत्तर से कहते हैं कि राजकुमार उत्तर उस व्यक्ति को बुला लाओ, उस व्यक्ति को बुला लाओ, मैं भी तो देखूं कि वो वीर कौन है जिसने इतनी बड़ी कौरवों की सेना को अकेले हरा दिया। तो बड़ी उत्कंठा के साथ राजा ने पूछा कौन था वह वीर, कहाँ है वह, बुला ला उसे। राजकुमार ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि आज या कल वह अवश्य प्रकट होंगे। अब राजकुमार उत्तर ने अभी भी कुछ बताया नहीं उन्हें, बल्कि ये कहा कि आप धैर्य धरिए, आजकल में ही वे स्वतः प्रकट होकर आपके सामने आ जाएंगे। स्थिति को गोल गोल घुमा करके रखी जा रही है, क्योंकि राजकुमार उत्तर को भी अभी इस बात का पूर्ण पता नहीं था कि वनवास और अज्ञातवास का समय जो है वो व्यतीत हो गया है अथवा नहीं, और वो पहचान चुके थे। तो उन्हें लगा कि सच्चाई यही है कि उन्हें बता देना चाहिए। तो उन्होंने कहा आजकल में ही वो प्रकट हो जाएंगे, आप चिंता न करें।
अवश्य प्रकट होंगे। थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। अब बार बार राजकुमार उत्तर इस तरह की जब बातें करने लगे तो पांडवों को लगा कि निश्चित ही अपने बारे में बता देना चाहिए, उचित यही है। तो उन्होंने आपस में निश्चय किया कि राजा विराट को इस बात की सूचना दे देनी चाहिए कि बल्लव, कंक, ग्रंथिक, तंतिपाल ये सब कौन हैं। ये निर्णय आपस में हो ही रहा है कि उनको कैसे सूचना दी जाए। थोड़ी देर तक पांडवों ने सोचा कि अब ज्यादा विवाद करना और अपने को छिपाए रखना ठीक नहीं है। यह सोचकर अर्जुन ने पहले राजा विराट को और बाद में सारी सभा को अपना असली परिचय दे दिया। अब युद्ध में राजा राजकुमार उत्तर के साथ ब्रहनला के रूप में आए अर्जुन ने अंततः निर्णय लिया कि अब समय भी व्यतीत हो गया है अज्ञातवास का, अब ये बात राजा विराट को बता देनी चाहिए कि वे कौन हैं। तो उन्होंने बहुत देर तक अपने बात को छिपा के रखा, फिर अंततः उन्होंने ये अपना परिचय दे दिया, राजा विराट को भी दिया, सारी सभा को भी दिया, असली परिचय दे दिया। लोगों ने आश्चर्य और आनंद का ठिकाना न रहा। अब लोगों को लगा कि पांडवों का साथ मिल गया तो वे विराट नगर बहुत प्रसन्न हुआ और सभा में चारों ओर कोलाहल मच गया। राजा विराट का हृदय कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। शब्द है कृतज्ञता। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। लेकिन यहां पर ता प्रत्यय और जुड़ा है और शब्द बनाया है कृतज्ञता, यानी कृतज्ञ से भाव प्रकट कर दिया कि उनके अंदर वो भाव आ गया कि वो उपकार को, उनके द्वारा किए उपकार को मान रहे हैं। तो उनका हृदय जो था कृतज्ञता, आनंद और आश्चर्य से तरंगित हो उठा। कृतज्ञता तो इस बात की थी कि पांडवों ने बहुत बड़ा उपकार किया है, राजकुमार उत्तर को और राजा विराट को बचाया था अश्वशर्मा से। और आनंद और आश्चर्य भी हुआ, पांडवों का होना उनके लिए बहुत आनंद की बात थी और आश्चर्य हुआ कि वो वर्ष भर से उसी विराट नगर में रह रहे थे और राजा विराट को इस चीज का पता भी न चला। विराट ने कुछ सोचने के बाद अर्जुन से आग्रह किया कि आप राजकन्या उत्तरा से विवाह कर लें। तो उन्होंने अंत में कहा कि इतने दिन तक आप हमारे यहाँ रहे, अब मैं आपसे एक आग्रह करता हूँ कि मेरी कन्या उत्तरा को आप स्वीकार कर ले। ये संभव नहीं था। अर्जुन ने ब्रहनला बन करके राजकुमारी उत्तरा को संगीत की शिक्षा दी थी और वो गुरु के स्थान पर हो गई थी। तब जब राजा विराट ने उनसे इस बात का आग्रह किया कि उत्तरा से विवाह कर ले तो वो इस बात को तैयार नहीं होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, यह संभव नहीं है, मैंने तो उत्तरा को संगीत की शिक्षा देके गुरु का स्थान प्राप्त कर लिया है और ऐसे में मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उन्होंने ये कहा कि यदि उत्तरा का विवाह करना है तो आप अभिमन्यु के साथ कर दें, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह कर दें, जिसके लिए राजा विराट तैयार हो जाते हैं। तो यही कहानी अब यहाँ आगे आ गई है। उन्होंने कहा, राजन आपकी कन्या को मैंने नाच और गाना सिखाया है, वह मेरे लिए बेटी के समान है, इस कारण यह उचित नहीं है, मैं उसके साथ विवाह नहीं कर सकता हूँ। यदि हाँ आपकी इच्छा है तो मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ उसका विवाह हो जाएगा। राजा विराट ने यह बात मान ली
और कुछ समय बाद दुर्योधन के दूतों ने आकर युधिष्ठिर से कहा, कुंती पुत्र, महाराज दुर्योधन ने हमें आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि उतावली के कारण प्रतिज्ञा पूरी होने से पहले ही अर्जुन पहचाने गए हैं, इसलिए शर्त के अनुसार आपको 12 बरस के लिए वनवास करना होगा। ये संदेश दुर्योधन ने भेजा विराट नगर में कि संभवतः वो पुनः वनवास को चले जाए। इस पर युधिष्ठिर ने हंसकर कहा कि दूतगण शीघ्र ही वापस जाकर दुर्योधन से कहो कि वह पितामह से इस बात की जानकारी ले लें कि अर्जुन जब प्रकट हुए तो प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई थी अथवा नहीं। मेरा यह दावा है कि 13वां वर्ष पूरा होने के बाद अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो युधिष्ठिर ने इस बात को समझाया कि जाओ दुर्योधन को इस बात को का संदेशा दे दो कि अवधि पूरी होने के बाद ही अर्जुन ने धनुष की टंकार की थी। तो ये अज्ञातवास समाप्त हो गया है, अब तुम तैयार हो जाओ कि आगे तुम्हें क्या करना है। ये संदेश देकर युधिष्ठिर ने दूतों को वापस भेज दिया। तो ये कहानी यहीं आकर समाप्त हो गई। इसके बाद का मंत्रणा जो पाठ है उसमें मैं पढ़ाऊंगी। तो आज के इस वीडियो को यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।